16 साल पहले यानी आज ही के दिन टीम इंडिया के बेहतरीन फील्डरों में शुमार और निचले क्रम के धाकड़ बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में युवराज सिंह के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 121 रनों की पार्टनरशिप की थी और टीम इंडिया को मैच और सीरीज दोनों जिताए थे। 16 साल बाद आज ही उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मोहम्मद कैफ ने भारत के लिए आखिरी मैच करीब 12 साल पहले खेला था। 37 साल के कैफ ने 13 टेस्ट और 125 वनडे खेले थे और उन्हें लॉर्ड्स पर 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में 87 रनों की मैच जिताने वाली पारी के लिए जाना जाता है। 16 साल पहले नेटवेस्ट ट्रॉफी की बात करें तो एक ऐतिहासिक जीत थी जिसमें योगदान था मेरा और बहुत प्यार मिला पूरे देशवासियों से, तो इसीलिए आज का दिन जो 13 जुलाई है बहुत उचित दिन है मेरे लिए कि मैं अपना रिटायरमेंट ऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अनाउंस करूं। लोग लगता है कि शायद मैं रिटायरमेंट तो मेरा पहले हो चुका है क्योंकि बहुत साल से इंडिया के लिए क्रिकेट खेला नहीं हूं, लेकिन उसके बाद ही मैं जुड़ा हुआ था। रणजी यूपी के लिए खेला, फिर मैं आंध्र प्रदेश के लिए खेला, छत्तीसगढ़ के लिए भी मेंटर और कैप्टन था, तो डोमेस्टिक में काफ़ी साल से खेल रहा हूँ। वक्त आ गया कि मैं अब सबसे सबका शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया इस जर्नी में, मेरी फैमिली और मेरे टीममेट्स। और जब घर छोड़ कर निकला था जब मैं 11 साल का था तो शायद उम्मीद थी कि एक बार इंडिया की कैप पहनने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे 190 बार वो मौका दिया करने का, कैप पहनने का इंडिया का, तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को और सारे फैंस का जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आगे भी उम्मीद है कि जो लाइफ में फेज आएगा वो खुशहाल होगा।